हेलो गाइस, वेलकम टू पीयू अकेडमी। न्यू टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर में जिन लोगों ने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है उनके लिए आज इस वीडियो में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देख लेते हैं, 31 क्वेश्चन का आंसर डी है, 32 में करेक्ट स्पेलिंग बतानी है जिसका बी करेक्ट है, 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 33 का भी बी ऑप्शन करेक्ट है, 34 में आपको इडियम्स बताना था जिसके नीचे अंडरलाइन हो रही है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 36 में आपको एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस बताना था जिसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 37 में आपको चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर, इसमें कंजक्शन फिल करना था आपको जिसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 38 देख लेते हैं, 38 में आपको इनकरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है जिसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 39 में मॉडल बताना है जिसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 40 का सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें वो बतानी है इनडेफिनाइट द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंसेस, 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 43 रूल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 45 का द सिग्निफाइड स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 46 में बी ऑप्शन करेक्ट है, 47 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें पैराग्राफ पढ़ना है आपको, पैराग्राफ को रीड करके उसके आंसर्स देने हैं। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 49 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 50 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 51 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 52 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आप इन पे जो पेंसिल से टिक लगे हुए हैं उन पे ध्यान ना दें, ये पेपर मुझे कहीं से मिला था इस वजह से जो इस पे रेड टिक लगे हुए हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। 53 से 57 तक हमें पोएम से दी है, हमें उसमें से बताने हैं, आप पोएम रीड कर लेना। 53 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 54 का भी डी ऑप्शन करेक्ट है, 55 में ए ऑप्शन करेक्ट है, 56 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 57 में इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द सोल्जर्स आर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है आपको। अब 58 में इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड अ नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय फोर वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्टली नियरली द सेम इन मीनिंग सिनोनिम्स ऑफ द नंबर्ड वर्ड, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको पहले 58 में सिनोनिम्स बताना था, 59 में आपको एंटोनिम्स बताना है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, और लास्ट क्वेश्चन आपका 60, इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है आपको जिसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।